रुबीना और अभिनव दोनों मोस्टली एक दूसरे के साथ ही होते हैं, मस्ती मजाक भी हो रहा होता है। अब ऐसे में बात है बाथरूम एरिया की, जहां पर अभिनव को रुबीना पीछे से हक करती दिखाई देती है। अब ऐसे में यूं ही बातों ही बातों में अभिनव एक फनी किस्सा सुनाते हैं अपने टाउन का। वो बताते हैं कि एक ढाबा था हमारे वहाँ, तो वो बंदा बड़ा ही कमाल का था। वो सीटी के साथ खेलता था। हम जब वहाँ पर खाना खाने जाते तो कुकर की सीटी निकाल देता और उसके ऊपर नींबू रख देता था। और यार नींबू भी इतना कमाल कि यहाँ से वहाँ नहीं जाता था, सीधा स्ट्रीट। जैसे ही वो सीटी ऊपर चलती तो ऊपर चला जाता नींबू और फिर सट से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरीके से फिर रुबीना कहती है कि हाँ बेबी नहीं जाता है, जब हम छोटे थे हम भी ऐसे ही करते थे, कुकर की सीटी के साथ खेलते थे। वो जो कलर बॉल होती है ना वो रख देते थे। इस पर अभिनव कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, साइड वगैरह में क्यों नहीं जाता। इस पर रुबीना कहती है कि बेबी वो सेम प्रेशर से ऊपर जाता है और ग्रेविटी होती ही है, तो ग्रेविटी उसको नीचे अपनी तरफ खींच लेती है तो स्ट्रेट लाइन में होती है। ग्रेविटी यहाँ वहाँ नहीं लेकर जाती है, वो सीधी एक तरफ से आपको फोर्सफुली अपनी तरफ खींचती है, दैट्स ऑल। बेबी मुझे पता है 100% लग रहा है कि यहाँ पर तेरा IQ लेवल बिल्कुल नील हो चुका है, तेरा समझ ही नहीं पड़ता है।